हेलो फ्रेंड्स, तो ये है सीरीज का फिफ्थ पार्ट। इसके पहले के पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि मो हैनली की सोल पर कब्जा करना चाहता था, लेकिन हैनली अपनी स्किल से उसे मार डालता है। यहीं उसका मुकाबला आयरन स्लेव से होता है, जिसे एक आयरन बेल से कंट्रोल किया जा सकता है, और हैनली उसके फेस पर लगा मास्क उतारने लगता है। वो देखता है कि ये तो उसका खोया हुआ दोस्त जैंग है, जिसे वो ना जाने कब से ढूंढ रहा था। वो उसे जोर जोर से हिलाता है ताकि उसे होश में ला पाए, लेकिन जैंग पर इसका कोई असर नहीं होता। और तभी हैनली को स्क्रॉल का ध्यान आता है, जिस पर कुछ अजीब सी ड्राइंग बनी हुई थी। उसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि स्क्रॉल में तो एक सीक्रेट टेक्निक लिखी हुई है, जिससे किसी भी इंसान को एक पपेट में बदला जा सकता है, जिसके पास ना ही तो अपनी कोई फीलिंग्स होती हैं और ना ही वो दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। हैनली को ये जानकर बहुत दुख होता है और उसे याद आता है कि कैसे जैंग उसका हमेशा ध्यान रखता था, लेकिन अब वो एक बेजान सी मूरत बनकर रह गया है और ये सिर्फ उसे ही फॉलो करता है जो उसके चेहरे पर अपना ब्लड रब करेगा। हैनली भी एक चाकू की मदद से ऐसा ही करता है और हम देखते हैं कि जैंग ने उसके ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया है, जिससे अब वो हैनली के कंट्रोल में है। हैनली कहता है कि ना जाने तुमने कितने दुख सहे हैं और मैं तुम्हें गुलाम नहीं बल्कि अपना दोस्त बनाकर रखूंगा। तभी उसे जैंग के जैकेट में एक लेटर नजर आता है जो उसे मो ने दिया था, और उसमें लिखा है कि डियर हैनली, अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। मैंने तुम्हें अपने घोस्ट हैंड से पॉइजन किया है, जिसे सिर्फ सन क्रिस्टल ही ठीक कर सकता है, और वो पाने के लिए तुम्हें मेरे मेंशन में जाना होगा, जहाँ वो मेरी वाइफ के पास रखा है। आगे वो उसे सक्सेस और फेलियर पर कुछ ज्ञान देता है और ये भी रिक्वेस्ट करता है कि मेरी वाइफ और बेटी का इससे कोई लेना देना नहीं है और तुम उन्हें कोई नुकसान मत पहुँचाना। वो उसे अपनी स्किल्स को और बढ़ाने को बोलता है और कहता है कि तुम्हें खुद को इमोर्टल बनाना होगा, क्योंकि मोर्टल तो इस दुनिया में बस कीड़े मकोड़ों की तरह है और एक इमोर्टल ही लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकता है। यहाँ से सीन वापस 200 साल पहले आ जाता है, जहाँ हमने हैनली को फर्स्ट एपिसोड में देखा था, और वो बताता है कि मो तो ये भी नहीं जानता था कि मैं कल्टीवेशन के 6th लेवल पर हूँ, जिसमें उस ग्रीन पोशन ने मेरी बहुत मदद की थी और इसी वजह से मो मेरी सोल को भी रिप्लेस नहीं कर पाया था। आगे वो बताता है कि सोल रिप्लेस करने के 3 रूल्स होते हैं, जिसमें पहला है कि तुम जबरदस्ती किसी की सोल को रिप्लेस नहीं कर सकते, और ना ही ये ट्रिक अपने से स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर पर आजमा सकते हो, और तीसरा और फाइनल रूल है कि ये टेक्निक लाइफ में बस एक ही बार यूज की जा सकती है। अब क्योंकि मो का कल्टीवेशन 4th लेवल का था, इसीलिए वो 6th लेवल के हैनली की सोल को रिप्लेस नहीं कर पाया और यही उसके फेल होने का भी कारण था। आगे हम वापस से हैनली की स्टोरी में आते हैं, जहां वो मो की ग्रेव पर उसे अंतिम अलविदा बोलता है, क्योंकि चाहे वो कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उसने हैनली को लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखाया था। अगले 1 साल वो मो की सारी बुक्स को पढ़ता है कि शायद अपने पॉइजन के लिए कोई एंटीडोट बना सके, लेकिन कोई भी तरीका उसके किसी काम नहीं आता, और हम देखते हैं कि जैंग भी उसका पूरा ध्यान रख रहा है। जल्दी ही हैनली को सेट का डॉक्टर बना दिया जाता है और वो बताता है कि वुल्फगैंग के अटैक दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। उसे इन घायल लोगों को देखकर बहुत दुख होता है और वो सोचता है कि मो ने सही ही कहा था कि मोर्टल होकर जीना एकदम बेकार है, और इससे उसकी इमोर्टल बनने की विश और भी स्ट्रोंग हो जाती है। आगे का सीन जिया युआन सिटी का है, जहाँ हम मो के मेंशन को देखते हैं। वहाँ मेड अंदर कुछ गिफ्ट लाती है जो मो की बेटी काई के लिए है। मेड काई को बताती है कि ये आपकी एंगेजमेंट के गिफ्ट हैं, लेकिन काई उन्हें देखने से मना कर देती है। वो मेड को वहाँ से जाने को बोलती है और हम देखते हैं कि अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे हैं। फिर वो अपने डैड को याद करती है कि आप अचानक से कहाँ चले गए हो, और मैं इस तरह एक अजनबी से शादी नहीं कर सकती। इधर दूसरी तरफ हम हैनली को देखते हैं, जो अभी भी आश्रम का ध्यान रख रहा है, और इसी तरह काफी टाइम बीत जाता है। ट्रेनिंग के लिए वो मो से मिली उस बुक का यूज करता है, जो उसे लेवल 8 पर ले जाती है, और इससे उसे और भी यूनिक पावर्स मिलती हैं। अब वो चीजों को कंट्रोल करने लगा था, और सबसे खास पावर थी फायरबॉल टेक्निक, जो किसी भी चीज को मिनटों में नष्ट कर सकती थी। फिर एक दिन उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जहाँ सेक के पहाड़ों में आग लगी हुई है, और वो समझ जाता है कि वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ हुई है। उसे फ्यू की चिंता होने लगती है और वो आयरन स्लेव को लेकर वहाँ के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उन्हें एक घायल सोल्जर दिखता है, जो बताता है कि वुल्फगैंग ने सेक्ट पर हमला कर दिया है, और फ्यू के साथ साथ बाकी लोगों की जान भी खतरे में आ गई है।
हैनली उसे कुछ मेडिसिन देना चाहता है, लेकिन उससे पहले ही वो सोल्जर दम तोड़ देता है और हैनली कहता है कि जाने से पहले मुझे इस मैटर को सॉल्व करना होगा, और आयरन स्लेव को लेकर सेट की ओर निकल जाता है। आगे हम फ्यू को देखते हैं जो गैंग के मेंबर्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखता है कि उनके पास तो मिलिट्री ग्रेड के क्रॉसबो हैं, जिनके होते वो अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता। यहीं वुल्फ गैंग से पता चलता है कि आज वो सेट का नामो निशान मिटाने आए हैं, और तभी वो आसमान में चली एक फ्लेयर को देखते हैं। हैनली और जैंग भी वहाँ तक पहुँच जाते हैं और जैंग एक एक करके गैंग मेंबर्स को मारने लगता है। वो लोग उसकी ताकत का मुकाबला नहीं कर पाते और हैनली भी बीच में उसकी मदद करने आता है। जल्दी ही वो दोनों उन लोगों को ढेर कर देते हैं और हैनली जैंग से कहता है कि तुम्हें इस रास्ते को सिक्योर करना होगा ताकि इनके बाकी साथी आगे ना आ पाएं। यहीं दूसरी तरफ हम सनसेट पीक को देखते हैं, जहां सेक्ट और वुल्फ गैंग के लोगों के बीच लड़ाई छिड़ी हुई है और ज़ियालोंग अपने गैंग के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। एल्मा अपने सोल्जर्स को लेकर उनका मुकाबला करने आता है, लेकिन देखता है कि क्रॉसबो के सामने वो नहीं टिक पाएंगे। उसे समझ नहीं आता कि ये लोग इतने एडवांस हथियार कहाँ से ले आए, और तभी कुछ सोचकर वो अपने लोगों से ब्रिज के दूसरी ओर जाने को कहता है। ज़ियालोंग उनका पीछा करने को बोलता है और वो सब तेजी से उस ब्रिज को क्रॉस करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि सेट के लोग ब्रिज को ब्लास्ट करने वाले हैं और ज़ियालोंग क्रॉसबो से उन सभी को मारने को कहता है। एल्मा समझ जाता है कि उनका ये प्लान फेल हो चुका है और भागने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं होता। यही हम सेक्ट के लीडर वैंग को देखते हैं, जो सोचता है कि इस बार ज़ियालोंग ने हद पार कर दी है, लेकिन ज़ियालोंग तो आज उनका सर्वनाश करने आया था और उसे पूरी उम्मीद थी कि आज वो यहाँ से जीत कर ही जाएगा। इधर हम एक बार फिर फ्यू को देखते हैं, जिसे गैंग के मेंबर्स ने घेर लिया है और वो अकेला ही उन सबका मुकाबला करने लगता है। तभी गैंग के और मेंबर्स भी वहां आ जाते हैं और उनसे लड़ते हुए फ्यू लड़खड़ाकर एक पहाड़ी से लटक जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो खुद को उनसे नहीं बचा पाएगा, और यही हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।